अघोटा मोबाइल नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पोस्ट है वो इधर से ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पहले पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने पोस्ट है वो सभी इधर ऐड कर लूँगा। दोस्तों इधर से आपको एक तीर वाला ऑप्शन दिखेगा तो उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों इधर से ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर ओइन लिखा हुआ क्लिक करना है और यहाँ से आपको 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना है और इस पोस्ट को हम सही से सेंटर में कर देंगे। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर ऊपर म्यूजिक वाला ऑप्शन है वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपका म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो इधर से आपको म्यूजिक बेस्ट लिखा है वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपका जो भी म्यूजिक ऐड हो रहा है तो उसी तरह से आपको अपना म्यूजिक सुन लेना है जो कि। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपका म्यूजिक है वो कुछ इसी तरह से ऐड हो रहा है। तो इसी तरह से आपको बीट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने बीट है वो ऐड कर लेता हूँ। जितने भी है वो इधर ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर पहले बीट मार्क कर देता हूँ। बीट मार्क करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको कर देना है ऐसे यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो म्यूजिक रहेगा वो कुछ इसी तरह से आ जाएगा। तो इधर से आपको जो छोटे बीट ऐड हो रहे तो उधर से आपको अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमें पहले वाले बिट पे इधर ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा पहला इफेक्ट ऐड हो रहा है तो उसी तरह से मैं इधर कर दूंगा और उसी तरह से दूसरे इफेक्ट को भी कर दूंगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको सभी इफेक्ट को कर देना है। और उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो अभी इधर पहले वाले इफेक्ट में आपको कुछ इसी तरह से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपको इधर बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इधर पहले वाले इफेक्ट में आपको कुछ इसी तरह से इधर बहुत सारे इफेक्ट जो कि जूम आउट का इफेक्ट है तो इधर से आपको जूम आउट का इफेक्ट जो कि कर देना है। पूरे में वीडियो में आपको जूम आउट का इफेक्ट ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको जो आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से आपको पूरे में जूम आउट का इफेक्ट है वही ऐड कर लेना है तो आपको वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में जूम आउट का इफेक्ट है यही ऐड कर लेना है। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों आपको पूरे वीडियो में वो का वो करना है। यहाँ से आपको छोटे बिट ऐड हो रहे हैं तो यहाँ से आपको कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर आपको एक दिखा देता हूँ जो कि आपका इफेक्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्लासिक लगेगा। तो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों उसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे और उसी तरह से इधर हम कुछ इसी तरह से आपको इधर अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर से मैं कर देता हूँ। पहले करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको भी कर देना है। उसी तरह करने के बाद दोस्तों इधर से आपको क्या करना है पहले वाले इफेक्ट में आ जाना है। यहाँ से आपको अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो इधर से आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जो कि इधर से आपको जटर अप का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है जो कि जटर अप का इफेक्ट रहेगा वो बहुत अच्छा दिखेगा। और वो आपको सब में जटर अप का इफेक्ट है वो जहाँ पर छोटे बिट ऐड हो रहे हैं तो वहाँ पर आपको सब में जटर ऐप का इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो वो आप इफेक्ट ऐड करोगे तो आपके वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से आपको जहाँ भी छोटे बिट है जितने भी है इधर देख सकते हो आपको जो छोटे बिट ऐड हो रहे हैं तो उधर आपको वो का वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। या से आपको बड़े इफेक्ट में आपने जो पहले वाला जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड किया था वो का वो एंडिंग तक कर देना है। उसी तरह से करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है जो कि देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा जो कि आपके वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं आपको इधर एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो दिखा देता हूँ जो कि इधर से आपको एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इधर से क्लिक फुल कर देना। फुल करने के बाद दोस्तों इधर से आपको इधर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो वहाँ क्लिक कर देना है। ऐसे आपको स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका इफेक्ट रहेगा वो कुछ इसी तरह से आ जाएगा। तो इधर से आपके वीडियो रहेंगे वो बहुत ही क्लासिक और बहुत ही अच्छे दिखेंगे। उसी तरह से आपके सभी वीडियो रहेंगे वो ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों इस वीडियो को आप अपने मोबाइल में एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से ऐस पर क्लिक कर देना क्योंकि आपका वीडियो रहेगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।